वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, आज है मेरा बर्थडे और इतने सारे लोग विश कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज आज के ब्लॉग में इतने सारे विश करने के लिए। और अभी ये जो ब्लॉग जाएगा उस पर भी आप लोग विश करोगे ही, तो सभी के लिए थैंक यू सो मच। और देखो अभी भी फोन बज रहा है, मतलब तो सुबह से कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, रिप्लाई देते देते मैं थक गई हूँ अब तो। अभी अभी पूजा हुई है और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। सबसे पहले आपसे बात करती हूँ, आपको थैंक यू विश करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए, मेरे फ्रेंड का अभी कॉल आया है, उससे बात कर लेती हूँ। थैंक यू। अगर काही नहीं, बस आता सध्या सर्व काम झाले, म्हणजे आटोपलं सर्व आणि तुझ्यासोबत बोलत आहे। सर्व सर्व सर्व, तू काय करते? अच्छा अच्छा, कर कर। यहाँ पर आपको बता दूँ, मेरे बेडरूम का काम चल रहा है और मैंने ना इनको हेडबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। मैंने इनको बताया है कि मुझे थोड़ा सा ऊंचा चाहिए अब। और यहाँ पर ये खिड़की आ गई है ना, तो खिड़की की वजह से यहाँ पर तो कर्टन्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये खिड़की हाफ कट ही गई है। तो मैंने उनको बोला कि पूरी ही वो बंद कर दो अभी खिड़की, तो इसी वजह से यहाँ पर बोर्ड लगा रहे हैं और ये हेडबोर्ड पूरा ऊंचा बनेगा अब, तो इस तरह से बनेगा। तो इसका फाइनल लुक तो आप बाद में देख ही लोगे किस तरह से बनने वाला है, यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है, कैसे हेडबोर्ड होगा, सब कुछ आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा ही। आप एक्साइटेड हो कि नहीं ज़रूर बताना कमेंट करके। और बस इसके बाद हमें जाना है ग्लास वास ऑर्डर करने के लिए, मतलब यहाँ के जो ड्रेसिंग है या मेरे वार्डरोब है उसके ग्लास का ऑर्डर देने। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ एक्चुअली ग्लास के ऑर्डर देने, जो ग्लास लगने वाला है ना ऊपर वाले रूम में, तो वो ऑर्डर देने जा रहे हैं। आज कारपेंटर आए हैं हमारे और आज थोड़ा सा मतलब उनको बताना भी है, जो भी है वो आज करके देंगे। मतलब आज के आज तो नहीं होगा, बट जितना भी रह गया है वो आज से स्टार्ट करेंगे काम। और आज ग्लास देने जा रहे हैं, बर्थडे है फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, काम काम होता है। चलो जाती हूँ और वहाँ पर जो भी होगा आपको दिखाई दूंगी। चलिए निकलती हूँ। गाइस पहुँच गए हैं यहाँ पर MIDC में हम लोग, मतलब मंगल मूर्ति ग्लास वर्क। बहुत से लोग पूछते हैं जो अमरावती से है वो कहाँ से लिए अपने ग्लास, कहाँ से लिए। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं मंगल मूर्ति ग्लास वर्क मतलब क्रिएशन में, तो आपको दिखा भी देती हूँ मैं कैसा है यहाँ का। पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया था बट फिर भी लोग पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको इस बार भी दिखा देती हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने ग्लास वास लिया है, जो मंदिर के ग्लास है या सब कुछ हमने यहाँ से ही लिया था। तो चलो आप अंदर दिखाती हूँ आपको अंदर से कैसा है। हाँ ऐसा पाहिजे आपल्याला क्लास किशोर भाऊ।
त्यांनी कापून दिलेले आहेत ना, कापून ठेवलेले आहेत ना ते ग्लास, हे बघ हे सॅम्पल कापून ठेवलेले आहे. अच्छा मी म्हटलं तुम्हाला विटलाच काय काच. कशा म्हणजे कोणतं शेड बनवणार आहे मग? हा तर तसेच असेच पाहिजे ना, फक्त आपल्याला आपल्या साईजच पाहिजे लांब. हे बघा जे पार्टीशन करतात ना, समजा हॉल आणि किचन मध्ये, त्याच आहे हे मनात लावलेलं आहे त्यांनी. हे असं पातळ ऍक्रेलिक असते, हे असं पातळ ऍक्रेलिक ते काचांच्या मनात लावलं जाते ना. बरोबर आहे ना, ते आपल्याला तसे काच पाहिजे. कॉपर मध्ये ऍक्च्युली उनका लंच चल रहा है तो इश्यू जैसे वेट करना पड़ रहा है हमें. बस वो लंच करके आ जाएंगे, उसके बाद हमें दिखाएंगे जो भी हमें चाहिए, ग्लास वगैरह जो चाहिए वो, क्योंकि मिरर भी चाहिए हमें और वो मेरे वार्डरोब के ग्लास भी चाहिए, तो उसी के लिए आए हम लोग ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे. आप लोग कॉपर भेजे? हाँ मतलब हाच पाहिजे आपल्याला. तर किती लागेल ते आपल्याला? जो आपने ग्लास देखे अभी वो देखे है हमने, उसमें से कॉपर वाला सिलेक्ट किया है, वो अभी ऑर्डर देंगे, मतलब उसका नाप देख के वो बनवाने के लिए बोलेंगे उन्हें. और अभी बाकी का देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनका वो है कैबिन है, तो यहाँ पर ही सब कुछ होता है. चले यहाँ का तो हमारा काम हो गया है, अभी निकलने वाला है. वो बस सैंपल लेने गया है एक्चुअली, उसका जो डोर हैंडल है हमें वही कलर का लेना है, तो इस वजह से ग्लास सैंपल भूल गए थे हम लोग, तो इसीलिए अंदर वो ग्लास सैंपल लेने गए हैं. तो अभी अब ग्लास सैंपल लेने के बाद निकल जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे हैंडल लेने के लिए जाना है अभी या वो बाद में लेके आएंगे, वो तो नहीं पता. बट एक और काम है मुझे, वो कर लेती हूँ. आज लाइव जाने का सोच रही हूँ, आप सब लोग बोल रहे थे लाइव जाने के लिए, बट यार पता नहीं अभी लाइव जाने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा. फिर भी कोशिश करूँगी 5-6 मिनट के लिए लाइव आने की, घर जाने के बाद देखती हूँ. आपको तो वैसे बोल रखा है मैंने 3 बजे लाइव आऊँगी, बट 3 बजे नहीं हो पाएगा यार, यहाँ पर ही 3 बज रहा है अभी. पता नहीं अभी घर जाने के बाद ही पता चलेगा लाइव कब आऊँगी. तो कितने के पॉट इसमें? राउंड वाला नहीं है क्या? वाइट राउंड ब्लू कलर में या ऐसे व्हाइट राउंड में नहीं है क्या? बस इतनी ही है क्या भैया? और ये कितने की है? तुलसी वृंदावन? हाँ नहीं, ये उस साइड में. और वो बड़ा वाला 2000 का, और ये 550 का, 750, और ये छोटा 550.
तो गाइज मैं घर पे आ गई हूँ। एक्चुअली वहां पर गई थी वो पॉट वॉट देखने के लिए, बट मुझे पॉट पसंद ही नहीं आए। जैसे हम लोगों ने पहले देखे थे ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल पुराने पुराने डिजाइन थे, तो इसी वजह से मैंने लिए ही नहीं, फिर घर पे चले आया है। तो चलिए अभी लाइव जाती हूँ और लाइव जाके आपसे मिलती हूँ मराठी चैनल पे, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। देखो हस्बैंड ने क्या बनाया है, आज बर्थडे है बीबी का, तो हस्बैंड ने इतने प्यार से चाय बनाई है मेरे लिए, देखो। और आप ये अद्विक, हाय बोल दो। हाँ इतने दिल डेली करती हो तो एक दिन क्या तो क्या हो गया भाई दीदी, बहुत अच्छा, ये अंकल को चाय नहीं देते हैं। बोलूंगा क्योंकि पापा इतने काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, मैं नहीं बोलूंगा पापा इतने काम करते हैं, बाप रे। डेली मेरा काम नहीं दिखता है आपको? अजू डेली आपको, मैं जो काम करती हूँ वो नहीं अजू दिखता? आपको मम्मा ने, आपका मम्मा ने वो ऑर्डर किया क्या? देखो वो क्या क्या करने वाली थी मम्मा। क्या स्केटबोर्ड चाहिए ना आपको? तो फिर अभी नहीं दूंगी मैं। आप मेरा अच्छा काम नहीं दिखता ना हाँ आपको? बोलना मम्मा, आप ही काम करते हो बोलना। ये नहीं, रटा हुआ नहीं चाहिए, फिर ये बोल, नहीं, आप बताओ। जा ये नहीं, खुद से आपको दिखना चाहिए कि मम्मी मैं के, मम्मा कितना। के एक कॉपी ले जाओ, जाओ जाने दो, जाने दो। कट्टी कट्टी, चाय ठंडी हो रही, मैं आपसे कट्टी कर रही हूँ। चाय ठंडी हो रही, चाय। ये देखो श्रीकांत भैया को हाय बोल दो। श्रीकांत हाय हाय म्हणून दे, किती दिवसाचे तुला हाय सब्सक्राइबर्स। ये है श्रीकांत की वाइफ और ये श्रीकांत, देखो कब से आप लोग वेट कर रहे थे ना श्रीकांत का, तो देखो फाइनली आ गए बर्थडे पे। और ये है अद्विक, और मैं आ रही हूँ। ये है माही, यहाँ पे सब लोग रेडी होके आए हैं, मैं ही रेडी होना मेरा बाकी है। तो गाइज यहाँ पर बन रहा है मलाई पनीर, और आज कुछ स्पेशल है ना, तो स्पेशल डिश बनती ही है। तो मलाई पनीर बनाने वाली थी, क्योंकि हम लोग होटल में नहीं जाने वाले थे, रेस्टोरेंट जाने वाले नहीं थे, तो इसी वजह से घर पे ही रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आए, इसी वजह से कुछ ना कुछ अच्छा बन जाए अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है कढ़ाई में, मतलब ऑयल डालने के बाद वो ऑयल जब गर्म हो जाता है, तो लहसुन अदरक और जीरा उसमें पीस लिया था। और ये हो जाने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी लंबा लंबा जो प्याज काट के रखा है वो मैंने, तो ये चार पांच प्याज थे तो वो मैंने काट लिए थे। और उसके बाद टोमेटो भी ऐड कर दूंगी इसी में। और हाँ, मैं एक चीज़ उसमें डालना भूल गई, जो खड़े मसाले हैं वो डालना पहले ही भूल गई, क्योंकि कॉल आ गया था और उसमें मैं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कॉल पे बात करूँ या काम करूँ। या श्रीकांत वगैरह भी आ गए थे, श्रीकांत की वाइफ आ गई थी, तो वो भी वहाँ पर किचन में बैठे थे, उनके साथ भी बात कर रही थी, तो जो डालना था मुझे वो भूल ही गई। खड़े मसाले पहले डालने थे ऑयल में ही, तो वो भूल गए, फिर मैंने बाद में डाले। तो वो आप देख ही लेना कि मैंने रेसिपी कैसी बनाई, बट ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना सब्जी, जैसे रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए मिलती है वैसे ही टेस्टी बनी थी सब्जी। और उसके बाद मैंने वहाँ पर उसमें ही काजू डाल दिए, और यहाँ पर मैं साथ साथ में जीरा राइस भी बना रही हूँ। जीरा राइस के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया गैस पे, और राइस को वॉश कर लिया, जो बासमती राइस होते हैं उसे वॉश कर लिया, और उसे बॉईल होने के बाद, पानी बॉईल होने के बाद उसमें डाल दिया पानी में। और पानी बॉईल होने के बाद थोड़ा सा ऑयल भी डाला था मैंने उसमें। अभी ये हो गया है मेरा बासमती राइस रेडी, मतलब जीरा राइस, अभी इसे तड़का लगाना बाकी है। और यहाँ पर मेरे पनीर भी क्यूब करके मैंने रख दिए हैं, और जो मसाला मैंने भुना था ना वो मैंने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और इस तेल में मैं डालूंगी अभी ये पनीर के क्यूब्स, थोड़ा सा आपको इसे ज़्यादा नहीं, आपको फ्राई नहीं करना है इसे, बस ऐसे चला लेना है और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मतलब हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए इसको बस निकाल लेना है, नहीं तो ये टाइट लगने लगेंगे पनीर। तो बस थोड़ा सा हल्का सा ही मैंने भून लिया है इसे और निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं वही मसाला पीस रही हूँ जो मैंने बना के रखा था, थोड़ा सा उसमें नमक ऐड किया था ताकि टोमेटो गल जाए, और उस पर ढक्कन रख के पका लिया था अच्छे से, तो वो मसाला पक गया था। उसके बाद ठंडा होने के बाद वो मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, और यहाँ पर श्रीकांत और रानो, हम लोग रानो बोलते हैं उसे, बट उसका नाम गौरी है, तो गौरी डेकोरेशन कर रहे थे, और हमेशा श्रीकांत ही डेकोरेशन करता है ज़्यादातर मेरे बर्थडे पे। और फिर ये आ गए थे, इन्होंने भी हेल्प की उनकी करने में। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ राइस को तड़का, मतलब जीरे का तड़का, तो यहाँ पर जीरा डाल दिया है और जीरा फ्राई कर लिया है और गैस बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने ऊपर से नमक डाला है, क्योंकि पानी में हमने नमक नहीं डाला था, पानी में नमक नहीं ऐड करना है आपको, जब आप जीरा राइस बनाते हो ऊपर से नमक ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको मिक्स कर लेना है जीरा और राइस को, बस वहाँ पर जीरा और राइस मिक्स हो गए थे, जीरा राइस तो बन गया था, और यहाँ पर बन रहा है मेरा मलाई पनीर। तो यहाँ पर मैंने ना ऑयल डाल दिया है, उसके बाद खड़े मसाले अभी डाले हैं, कोई बात नहीं आप कभी भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, उसके बाद हल्दी, ये धनिया पाउडर और गरम मसाला,
बस ये चीज़ें डाल दी है, और जो हमने मसाला रेडी किया था वो मसाला उसमें डाल दिया है, और अच्छे से भून लूँगी जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ता। और उसके बाद भी देखो बातें करते करते इलायची डालना भूल गई थी, तो इलायची डाल दी है बाद में, कोई बात नहीं फ्लेवर आ ही जाता है उसका उसमें। और बस इस तरह से मसाला भून लिया है और अच्छे से तेल छोड़ने तक इसे भून लूँगी, और बस उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद फिर क्यूब्स ऐड कर दूँगी जो पनीर की क्यूब्स है वो, बस पानी डाल के थोड़ा सा और अच्छे से भून लूँगी। और अच्छे से भून जाने के बाद मसाला जब तक तेल छोड़ने लगता नहीं है तब तक आपको भूनना है, उसके बाद आपको पनीर क्यूब्स डाल देने हैं, और जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप वैसी रख सकते हो, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और बस ढक्कन रख के थोड़ी देर पका लीजिए। यहाँ पर मेरा पनीर मलाई पनीर रेडी है और धनिया पत्ता उस पर ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो जीरा राइस था हमारा बना के रखा था मैंने, और उस पर भी धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। उसके बाद जो घर की मलाई थी वही मैंने ऐड कर दी 1 चम्मच इसमें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, ट्रस्ट में एकदम रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आ रही थी इसको खाने के बाद। और हाँ, रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने सलाद काट के रख दिया है और मैं गई थी रेडी होने के लिए, तब तक ये लोग सब डेकोरेशन कर रहे थे, ये भी आ गए थे, उसके बाद इन्होंने वो लाइटिंग वाइटिंग लगा दी, जो सीरीज है वो लगा दी, और उसके बाद ये भी रेडी होने चले गए थे और मैं भी रेडी होने चली गई। सो गाइस, मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, और हाँ जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ यार, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो जल्दी से रेडी हुई हूँ, खाना बनाना पड़ा उसके बाद रेडी होना पड़ा, तो जल्दी से इस तरह से रेडी हुई हूँ। बस अभी करने वाले हम केक कट, तो केक कट करने के लिए वहाँ पर डेकोरेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ जाके वहाँ पे। मैंने सोचा चलो पहले आपसे बात कर लेती हूँ, और हाँ बारिश हो रही ना इसी वजह से जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, कभी भी लाइट जा सकती है। तो ये वाला ड्रेस पहना है मैंने, वन पीस है ये, तो वो फुल लुक तो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा ही केक कट करने के टाइम, बट आपको वहाँ का दिखाती हूँ, उधर का हॉल का डेकोरेशन। थैंक यू बेटा। हो 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 मम्मा। वो उधर ही रखो उसमें, इसके वो वहां पर रखो बीच में। ये देखो इस तरह से डेकोरेशन हुआ है। हाँ बोल बोल बोल। हाँ हैप्पी बर्थडे मम्मा, ये श्रीकांत ने लाया है और ये इन्होंने लाया है, जो मैंने केक कट नहीं किया ना वो वाला ये है, और ये श्रीकांत ने लाया है ताई वाला। हाँ 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 बराबर है, पिछले साल बहुत सारे केक लाए थे पिछले साल, और वो भी ऐसे कलरफुल था। ये हमारी होममेड कैंडल है जो मैंने बनाई थी। हाँ ये आपका प्लास्टिक का चाकू है। हाँ हाँ गाइज, आज का मेनू है ये मलाई पनीर, उसके बाद श्रीखंड है, उसके बाद ये जीरा राइस है, रोटी है और सलाद है। एक्चुअली रोटी इसलिए बनाई, मैं नान बनाने वाली थी, बट नान के लिए एक एंगेज रहना पड़ता है और साथ में खाने का मज़ा ही नहीं आता, एक एंगेज रहो उसके बाद फिर सबको परोसो, गरम गरम ही देना पड़ता है, तो इसी वजह से, और ठंडे खाने का नान मज़ा ही नहीं है, इसीलिए रोटियाँ बना लियो। और बस ये है आज खाने का मेनू, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। बस यहाँ पर डिनर कर लेंगे साथ में सब, और आप भी आ जाइए डिनर करने। Thank you.
गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। श्रीकांत और श्रीकांत की वाइफ चली गई है, अभी उनको बाय करके आए हैं और अभी मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, काफी देर से आपसे बात ही करना नहीं हुआ, सब लोग होते हैं ना तो बात करना नहीं होता इतने अच्छे से। तो आप लोगों ने जितने भी विश किए बहुत प्यारे प्यारे विश किए हैं आप लोगों ने आज के ब्लॉग पे भी और ब्लॉग पे तो करोगी ही आप, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतने सारे विश करने के लिए थैंक यू सो 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 मच। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ के सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे उन चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके साथ आप लाइक करना भूल जाते हो हमेशा, लाइक जरूर कर देना। और क्या बोलना है, बस उतना ही बोलना है, चलो सब बोल देते हैं आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दो इतना सारा मतलब बर्थडे विशेस करने के लिए थैंक यू। अद्वी एक बार आप भी बोल दो यार थैंक यू थैंक यू, आप लाइक तो करोगे ही, तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।